नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न 2, इसका पांचवां भाग हम कर रहे हैं। हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें यह कोण है 112 डिग्री, ये कोण है एक्स, यह वाई, यह जेड और ये वाला कोण है 40 डिग्री के बराबर। इसमें हमें एक्स, वाई और जेड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये कोण है 112 डिग्री, इसके बिल्कुल सामने है कोण y डिग्री। तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण यानी कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका अर्थ है कि y बराबर होगा 112 डिग्री के बराबर और इसका कारण है सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद यह त्रिभुज देखिए, यह वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में x, y और 40, ये तीन इस त्रिभुज के कोण हैं। x, y और 40 डिग्री, तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अब यहाँ देखिए, x प्लस y की जगह लिखेंगे 112, क्योंकि हमने अभी निकाला कि y 112 के बराबर है, प्लस 40 डिग्री, ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। तो x यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री, 112 और 40 हो जाएगा 152, 152 यहाँ x के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 180 डिग्री में से 152 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 28 डिग्री। इसका अर्थ है, अभी हमने देखिए इसमें y निकाल दिया है 112 डिग्री और अभी हमने x निकाला है 28 डिग्री। अब रह गया है z निकालना। तो ध्यान से बच्चों देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइंस इस प्रकार से समांतर हैं और यह इनके बीच में एक तिर्यक रेखा है। तो यह कोण और यह कोण, ये कोण है x और ये कोण है z, ये कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं। इसका अर्थ है z बराबर होगा x के। इसका कारण क्या है? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं यदि लाइंस आपस में समांतर हों। इसका अर्थ है z आ जाएगा x के बराबर और x हमने अभी निकाला है 28 डिग्री के बराबर। तो इससे हमें पता चला कि हमारा z भी 28 डिग्री के बराबर है। तो देखिए, हमने इस वीडियो में x, y और z तीनों कोण प्राप्त कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियोस को भी समझकर उन्हें हल कीजिए। धन्यवाद।